बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम पर हमला हुआ है। साथियों, अगर आज सच में हम पर टेनिस बॉल मशीन का हमला हुआ होता तो हम हार जाते, वो भी बुरी तरह से। तो ये प्रैक्टिस सेशन था? सही कहा। सॉरी स्किपर। सॉरी मत कहो प्राइवेट, चौकन्ने रहो, न जाने दुश्मन हम पर कब कहां से। ये क्या हो रहा है? स्किपर, क्या ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा है? मैं ले आई डॉक्टर, चार पेंगुइन्स इलाज के लिए तैयार। ओह थैंक यू एलिस। ये तो बस एक रूटीन चेकअप ही होगा, डरो मत साथियों, डरो मत। ओके, मेरा पहला शिकार कौन है? वाह, कितनी बड़ी सुई है। चलो तुमसे शुरुआत करते हैं बच्चे। ये तो सिर्फ चेकअप है दोस्तों, डरने की बात नहीं है, सिर्फ मामूली चेकअप है, कुछ नहीं होगा। तुम डरना नहीं दोस्तों, खुद पर काबू रखो। ओके नेक्स्ट। हिम्मत रखना क्वाल्सकी, हिम्मत रखना। मर गया रे पमे। ये डॉक्टर तो कसाई है। देखो चलो चले, जल्दी चलो जल्दी। ठीक है अब तुम्हारी बारी। ओके, और अब बारी आती है। भूल जाओ सिर फिरे डॉक्टर, सुई मुझे छू भी नहीं पाएगी। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं, पर डॉक्टर ने हमें पीछे क्यों इंजेक्शन दिया? पीछे इंजेक्शन देने से दवाई अच्छी तरह हमारे शरीर में फैल जाती है। बदकिस्मती से। हम भी क्या बात कर रहे हैं, बस एक छोटी सी सुई तो थी, स्किपर हम पर बहुत नाराज होगा। हाँ, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा और आते ही हमें अच्छी तरह डांटेगा भी। तैयार हो जाओ जल्दी, हमारा ऑपरेशन फेल हो चुका है। कौन सा ऑपरेशन? ये प्रैक्टिस सेशन है क्या? नहीं, तुम बस इतना जान लो कि मेरा कहना है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सामान पैक करो, सिर्फ जरूरत की चीजें। 2 मिनट के अंदर अंदर हम ये जगह छोड़ देंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जू हर तरफ से लॉक कर दिया है, ना कोई अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। क्या ये करना जरूरी है एलिस? हाँ, मेरी बात मानो, वो पेंगुइन झांसा देने में उस्ताद है। लॉक कर दिया, वो मुझे पकड़ लेंगे, मेरा मतलब हमें। अब हमारा निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। दाईं तरफ हॉट डॉग स्टैंड है, आगे बढ़ो। निको लाइट, कोवाल्स्की ऑप्शंस। हमें उनका ध्यान हटाना होगा, मैं कहता हूँ हम बंदरों को छोड़ देते हैं, वो उन्हें बुरी तरह परेशान करेंगे। ये प्लान काम करेगा। शोर शराबे के बीच हम साउथ एंट्रेंस से निकल जाएंगे। गुड, और फिर? फिर हम किसी दुकान में डिस्प्ले का काम करेंगे, बहुत सारे पैसे कमा लेने के बाद हम अपना नया खुफिया अड्डा बनाएंगे जिसमे लगे होंगे लेजर बीम्स। लेजर बीम्स, अच्छा प्लान है कोवाल्स्की, मुझे पसंद आया। मुझे भी, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो प्राइवेट। तुमने इंजेक्शन नहीं लगाया स्किपर? हाँ, बिल्कुल लगवाया। वैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? तुम्हारे पाँव पर लगे टैग को लेकर। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि मैं डर रहा हूँ। तुम डर नहीं, मैं डर। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? मैं डर। लगता है इसे कहना है कि ये डरता है। प्राइवेट, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कभी भी बोलते रहते हो। नहीं प्राइवेट, सही है, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि मैं इंजेक्शन से डरता हूँ। एक्चुअली मुझे शक तो था। स्किपर, डॉक्टर के पास जाना इतनी भी डरने वाली बात नहीं है। बस उनके इंजेक्शन देने के बाद जो हल्का हल्का दर्द होने लगता है उससे जरा भी दर्द नहीं होता है,
यही सच है, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। साथियों, तुम जैसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। चलो अब यूं भागना बंद करते हैं। वो रही एलिस, बस उसके पास जाकर खुद को उसके हवाले कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है ना स्किपा? स्किपा? स्किपा! इंजेक्शन लेना ही नहीं चाहते है ना? मुझे नहीं लगता हम कभी उसे पकड़ पाएंगे। अब समझा वो क्यों हमारा मास्टर है और हम उसके नाकारा स्टूडेंट्स। अगर हमने जल्दी से इस मुसीबत का हल नहीं ढूंढा तो स्किपर यहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? बाहर निकलो। हम स्किपर को नहीं खोज सकते, कोई तो रास्ता होगा। रुको, एलिस पांव पर लगा टैग पहने हुए पेंगुइन को ढूंढ रही है ना? प्राइवेट, कहीं तुम वहाँ जाने की तो। हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, जाओ ना। पर अगर तुम वहाँ जाकर वो करने की सोच रहे हो तो वो खतरनाक भी हो सकता है। स्किपर को वापस लाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ओके, मुझे एक आइडिया आया है। हम जू के रिकॉर्ड्स में लिख देते हैं कि यहाँ सिर्फ 3 ही पेंगुइन्स हैं। जरूरत नहीं होगी। तुम कहाँ थे? हाँ, तुम तो लंबे थे। चलो ठीक है। यस, प्राइवेट का प्लान काम कर रहा है। फिल, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, इस गेम में चेकमेट नहीं होता। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? तुमने मुझे इतना परेशान किया है, अब देखती हूँ कि कैसे बचते हो। प्राइवेट बलिदान दे रहा है मेरे लिए। वैसे तुम कब से यहाँ छुपे हुए थे? एक दिन में 2 इंजेक्शंस। वो बेचारा हफ्तों तक बैठ नहीं पाएगा। क्या कहा? प्राइवेट ने एलिस को बुद्धू बनाया है, उसे लगता है कि वो मैं हूँ, वो मेरी जगह इंजेक्शन लेने वाला है। बाप रे, फिल कह रहा है अगर प्राइवेट एक इंजेक्शन ले चुका है तो दूसरा वाला उसे बीमार कर सकता है या उससे भी बदतर। डॉक्टर लीजिए, डॉक्टर ये रहा आपका मिसिंग पेंगुइन। स्किपर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रोकने आया हूँ मेरी जगह लेने से। मैं अपनी खुशी से आया हूँ, मैं एक और इंजेक्शन ले लूंगा, डरो मत, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अगर तुम बीमार हो गए तो क्या खुश रह पाओगे? कितना बीमार? वैसे चिम्स ने ये तो नहीं बताया, मुझे लगता है तुम्हारा एक और सिर निकल आएगा। मुझे एक और सिर नहीं चाहिए। तो फिर जल्दी जाओ, डॉक्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं। जानते हो स्किपर, अब भी हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं हुई है। मैं जानता हूँ, पर मेरे डर ने तुम्हें मुसीबत में डाला, अब जाओ यहाँ से दोस्त। अच्छा हुआ तुम मिल गए दोस्त, अब प्लीज हिलना नहीं, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। एक्चुअली बहुत दर्द हुआ, पर शुक्र है बात बन ही गई। डर हमें क्या क्या करने पर मजबूर करता है, वो हमें अंदर से खोखला बना देता है और किसी भी लायक। स्किपर प्लीज। ओह सॉरी दोस्तों। असली बात तो ये है दोस्तों कि हमें कभी भी डॉक्टर से डरना नहीं चाहिए।
इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और बीमारी हमारे पास। अब तुम पेंगुइन्स का जाने का वक्त हो गया है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास पर हमारे दांत कहाँ होते हैं?